देखिए, कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया है, प्रश्नावली 13.1 और प्रश्न संख्या है आपका 2। 2 में यहाँ पे बोल रहा है, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये आयताकार प्लॉट है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर होता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे प्लॉट का देखिए दिया है लंबाई आपको 80 मीटर और चौड़ाई दिया है 60 मीटर। तो लिखेंगे 80 मीटर गुने चौड़ाई है आपको 60 मीटर, तो 60 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर को 60 मीटर में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आएगा आपको 4800 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। तो ये प्लॉट है और इसी के बीच में एक वर्गाकार घर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र होता है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वर्ग का आपको होता है भुजा गुने भुजा बराबर भुजा वर्ग। तो यहाँ पे भुजा है आपको 40 मीटर का, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 40 मीटर गुने, फिर है भुजा, तो लिखेंगे 40 मीटर, ठीक है। तो 40 को 40 में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 1600 वर्ग मीटर। ये हो गया आपको वर्गाकार घर का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर, और आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया 4800 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है, घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, ठीक है। तो फुलवारी का क्षेत्रफल, ठीक है, फुलवारी का क्षेत्रफल हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयताकार प्लॉट, ठीक है, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल को घटा देंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 4800 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे 4800 माइनस, फिर घर का क्षेत्रफल कितना आया आपको, 1600 वर्ग मीटर। तो ये हो गया 1600 वर्ग मीटर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 0, 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 2, और ये 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, यानी कि 3200। ये हो गया फुलवारी का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा, बोल रहा उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए फुलवारी फुलवारी
लगाने का खर्चे। ठीक है, तो यहाँ पे फुलवारी का क्षेत्रफल कितना आया है, 3200 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3200 वर्ग मीटर, और आपको इसका दर कितना दिया है, 40 रुपये। ठीक है, तो 3200 को 40 में गुना कर देंगे, यानी 40 रुपये में। तो गुना करेंगे तो आपको गुणनफल आएगा 1,28,000 रुपए। ये हो गया आपका आंसर।